पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा दादी हृदय मोहिनी का अध्यात्म पर मंथन, आत्मा कभी मरती नहीं। शांतिवन में राजनीतिज्ञों के सम्मेलन में बेहतर राजनीति पर चर्चा, भारत तथा नेपाल के सैकड़ों राजनीतिज्ञों का जमावड़ा। धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जीवंत हुआ शांतिवन, श्री कृष्ण के मूल्यों को अपनाने का संदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को बांधी गई राखी, फिल्मी कलाकारों को भी बांधा रक्षा सूत्र। दिल्ली के सिविल लाइन में विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन, विश्व शांति के लिए जरूरी है राजयोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी और कोटली में पहुंचा ग्राम विकास अभियान, जैविक के साथ यौगिक खेती करने की सलाह। और देश भर में मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार, श्री कृष्ण जैसा बनने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, पांडव भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता तथा बीके नीलू ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दादी हृदय मोहिनी ने आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराते हुए कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बल्कि अजर, अमर और अविनाशी है। दादी ने प्रणब मुखर्जी के दिवंगत धर्मपत्नी की आत्म शांति के लिए कुछ समय ध्यान योग कराया। इसके साथ ही दिसंबर में होने वाले योग कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। ब्रह्म कुमारी संस्था के राजनीतिक प्रभाग द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मनमोहिनी के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुरेश पुजारी, संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, राजनीतिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके बिजमोहन, कड़प्पा के विधायक एस रघुराम रेड्डी, प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके मोहिनी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके लक्ष्मी, नेपाल के पूर्व विधायक गोपाल गुरागेंद समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि आध्यात्म और मेडिटेशन अब राजनीति में भी जरूरी हो गया है, जिससे जनता की सेवा ठीक से की जा सके। इतना खूबी दिखा, इतना ताजुब दिखा, ये कौन सा दुनिया में मैं आया हूँ। यहाँ का जैसा प्योरिटी, इंसान को रिपेयर करने का जगह पृथ्वी में कहा नहीं, पर माउंट आबू में है बोल के समझ में आ गया। और यहाँ आने के पढ़ा था मैं, कोई माउंट आबू हेवन ऑन अर्थ। 24 घंटा में मेरे को पता चल गया कि रियली आई एम नॉट ऑन अर्थ, आई एम ऑन हेवन। इस अवसर पर दैनिक दिनचर्या में राजयोग को शामिल करने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञों ने भाग लिया। हम सब एक है, एक ही है, तो ये एकता शक्ति परमात्मा की खेल चलती है। सम्मेलन के दौरान सफल राजनीति में आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधान पर चर्चा की गई। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन, शांतिवन तथा ज्ञान सरोवर में भी सजीव श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकी सजाई गई। इस झांकी का उद्घाटन संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। वैसे तो पूरे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में आयोजित जन्माष्टमी का पर्व कुछ अलग ही नज़ारा था। मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा से लेकर कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, विष्णु चतुर्भुज, बांसुरी बजाते कन्हैया, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार ऐसे सजा जैसे मानव धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इसी तरह ज्ञान सरोवर में भी हाड़ी मटका फोड़ कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय रहा। संस्था के पांडव भवन में भी सजाई गई कृष्ण की झांकी लोगों को आध्यात्मिक संदेश दे गई। इस झांकी में यह मर्म समा गया था कि यदि देखना है तो उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। यही कृष्ण का संदेश था और यही जन्माष्टमी का भी। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट पदाधिकारियों ने कहा कि श्री कृष्ण सतयुग के प्रथम राजकुमार थे। हमें उनके जैसे बनने के लिए गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसे ही पांडव भवन तथा ज्ञान सरोवर में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। ज्ञान सरोवर में जहां दही हांडी मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं पांडव भवन में भी जीवंत झांकी सजाई गई। महाराष्ट्र में चंद्रपुर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कुंद्रा ने केंद्रीय रसायन मंत्री हंसराज अहिर से मुलाकात कर राखी बांधी। इसके साथ ही संस्था की गतिविधियों से अवगत भी कराया। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली से ब्रह्म कुमारी के गुजरात जोन की निदेशिका बीके सरना, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके बहनों ने मुलाकात की तथा रक्षा सूत्र बांध कर शुभकामनाएं दी। भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने राज्यपाल राम नरेश यादव से मुलाकात कर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया तथा राखी भी बांधी। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके रानी भी उपस्थित थी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी, रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान के स्वामी सत्यदेव नंदा, पार्षद आशीष कुमार बोस, सांसद दिनेश त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर सुरजीत करपुर कायस्थ समेत कई विशिष्ट लोगों से बीके बहनों ने मुलाकात कर राखी बांधी। इस अवसर पर आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मुन्नी, बीके अनिता समेत अन्य कई संस्था के सदस्यों ने विशिष्ट लोगों को आत्मचिंतन तथा आत्मावलोकन द्वारा अपनी कमियों को समाप्त करने पर बल दिया। गोवा में मडगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीना ने जल संसाधन मंत्री दयानंद मांडरेकर, उद्योग मंत्री महादेव नाइक, खेल मंत्री रमेश तवड़कर, पर्यटन मंत्री दिलीप परुलेकर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के कार्यकारी निदेशक वीएम प्रभु देसाई समेत कई प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की तथा रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन में योगदान देने का आह्वान किया। ऐसे ही गोवा के निदेशिका बीके शोभा, बीके सुरेखा और सेवा केंद्र से जुड़े बीके पंकज ने केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, पीडब्ल्यूडी मंत्री रामकृष्ण ढवलीकर समेत कई प्रख्यात लोगों से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही राखी भी बांधी। सिक्किम के गैंगटॉक सेवा केंद्र पर मानव संसाधन विकास मंत्री आरबी सुब्बा ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनम ने ईश्वरीय ज्ञान चर्चा करते हुए राखी बांधी। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा के स्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे से ब्रह्म कुमारी के घाटकोपर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रमिला तथा बीके प्रतिभा ने मुलाकात कर राखी बांधकर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी शर्मिला ठाकरे को भी रक्षा सूत्र बांधकर श्रेष्ठ कर्म द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सामाजिक कार्यकर्ता पद्म भूषण अन्ना हजारे से बीके राजेश्वरी, बीके आशा और बीके दीपक हरके ने मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधा। मुंबई में फिल्म निर्माता तथा निर्देशक सुभाष घई तथा सुप्रसिद्ध अभिनेता प्रेम चोपड़ा से मलाड के फ्लेमिंगो सेवा केंद्र के प्रभारी बीके निर्जा तथा बीके संजय ने मुलाकात की। रक्षाबंधन के साथ साथ उसके आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए बीके निर्जा ने उन्हें राखी बांधकर इस पर्व की शुभकामनाएं दी। ऐसे ही जापान इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जय नारायण अग्रवाल से भी मुलाकात की तथा ईश्वरीय संदेश देते हुए रक्षा सूत्र बांधा। इंदौर के श्रीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा ने भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्षद हाजी उस्मान पटेल, TIMS सैयद से मुलाकात कर रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए राखी बांधी। दिल्ली सिविल लाइंस के राजपुरा रोड में ब्रह्म कुमारी द्वारा विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, सानी पार्क के मालिक नरेंद्र जैन, पांडव भवन के प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई विशिष्ट पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने राजयोग की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर विश्व परिवर्तन करने पर बल दिया। इसके साथ ही बताया कि जीवन में त्याग करने से ही श्रेष्ठ भाग्य बनाया जा सकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिल्ली के कई सेवा केंद्रों के वरिष्ठ बीके बहने समेत संस्था से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर सामूहिक ध्यान साधना की और विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। ब्रह्म कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाया जा रहा किसान सशक्तिकरण अभियान हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचा। इस अवसर पर सद्भावना भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर बीडी शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, पालमपुर सेवा केंद्र से प्रभाग के सदस्य बीके हरनाम समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि उत्तम खेती के लिए जैविक के साथ साथ यौगिक खेती अपनाना चाहिए। इस अभियान के मंडी के कोटली में पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक आर.के. कोंडल, ग्राम पंचायत प्रधान चमन लाल, डॉक्टर गुलेरिया, बीके शीला, बीके पार्वती समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में किसानों को खेतों में कीटनाशक दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए शाश्वत यौगिक खेती के लाभों की जानकारी दी गई। मैं तो इस संस्था का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कृषि विभाग भी यही चाहता था कि किसानों का स्वास्थ्य ठीक रहे, समृद्ध हो, खुशहाल हो। एक आप भाषा संस्था जुड़ गई है तो वो बात होगी दो की जल रात होने वाली बात होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता की तथा अपनी खेती को बेहतर बनाने के गुर सीखे। भुवनेश्वर के एम्स में 4th ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। मानव उत्कृष्टता में आध्यात्मिकता की भूमिका विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में यूनिट 8 के प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने कर्म और व्यवहार में उत्कृष्टता लाने के लिए मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया। MBBS तथा नर्सिंग छात्रों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रश्नावली के जरिए उपस्थित विद्यार्थियों ने अपने सवालों के समाधान पूछे, जिसका राजयोग के जरिए समाधान करने के तरीके भी बताए गए। इस अवसर पर एम्स के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मोहापात्रा, मनोविज्ञान प्रभाग की संयुक्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रणति नंदा भी उपस्थित थी। अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पर कुमार इंटरनेशनल होटल में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंकेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में DIG कुंवर विजय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सिंह सभा के संयोजक सरदार निर्मल सिंह, समाज सेवक अशोक कपूर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, बाईपास सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में अतिथियों ने इस पर्व को रक्षा का प्रतीक बताते हुए सभी से स्वयं की तथा समाज व राष्ट्र की बुराइयों से रक्षा करने का आह्वान किया। इस दौरान उपस्थित विशिष्ट अतिथियों समेत सभी लोगों को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए राखी बांधी गई। पुणे के वडगांव शेरी सेवा केंद्र पर खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज, बीके रूपेश, बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमा ने जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाई। इसके साथ ही राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा से सर्वशक्ति लेने की विधि से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश में बरेली के ITBP कैंपस में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सिविल लाइंस सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नीता और बीके संजू ने उपस्थित जवानों को मन में दृढ़ता की राखी बांधकर संस्कार परिवर्तन करने का संकल्प कराया। वहीं कमांडेंट अनिल कुमार अकानिया ने संस्था की बहनों का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जाहिर की। लोगों में आपसी प्रेम, सद्भाव और अच्छी भावना का प्रचार प्रसार करने वाले प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान के सदस्य और खासतौर से बहनें हमारे बीच में आई हैं। इस कार्यक्रम के अंत में सभी को राखी बांधकर शुभकामनाएं भी दी गई। रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र द्वारा ITER इंजीनियरिंग कॉलेज CIFA समेत अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने राजयोग के महत्व से सभी को अवगत कराते हुए उसे दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। इसके साथ ही CRPF के ग्रुप सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां DIG त्रैलोक्या ने बीके दुर्गेश नंदिनी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी जवानों को राखी भी बांधी गई। हरियाणा सिरसा के शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा जिला कारागार में कैदियों एवं जेल प्रशासन के सभी अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वरी संदेश दिया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक JS सेठी, DSP अमित भादु समेत शहर के कई गणमान्य लोगों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने राखी बांधकर विश्व के प्रति सद्भाव रखने का आह्वान किया। इसके साथ ही समाज सेवी संस्था दिशा में मंद बुद्धि बच्चों को भी बीके बहनों ने राखी बांधी तथा अपनी शुभकामनाएं दी। राजकोट के पड़धरी सेवा केंद्र पर अद्भुत शिवलिंग दर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें परधेश्वर मंदिर के महंत हेमुभा समेत कई अतिथियों ने शिरकत कर शिवलिंग के दर्शन किए। इस कार्यक्रम में बीके एकता ने राखी बांधकर इस पर्व की बधाई दी। रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र पर राखी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों समेत वरिष्ठ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न प्रकार की राखियां बनाई। इस दौरान सेवा केंद्र पर आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में ITI कॉलेज के प्राचार्य ईश्वर पटेल समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने सहभागिता की और स्व परिवर्तन करने का संकल्प लिया। ऐसे ही पुलिस स्टेशन, सिविल हॉस्पिटल, तपोवन स्कूल, BIRC भवन समेत अन्य कई स्थानों पर राखी का पर्व मनाया गया, जहां राजयोग शिक्षिका बीके काजल, बीके एकता व बीके कोमल ने राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ सेक्टर 51 सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सारिका, स्कूल के प्राचार्य लखविंदर कुमार, वरिष्ठ शिक्षिका हरमनप्रीत कौर समेत कई बच्चे उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके सारिका ने कहा कि जब से मनुष्य को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, तब से रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाने लगा। इसके साथ ही अन्य शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को बच्चों के लिए उपयोगी बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी को रक्षा सूत्र भी बांधा गया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस स्टेशन, हैप्पी विलेज सेवा केंद्र समेत स्कूलों तथा अन्य कई स्थानों पर रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके कृपाल, बीके ज्योत्सना ने एयरपोर्ट के निदेशक MK दास समेत विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर राखी के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। वहीं स्कूली बच्चों को रक्षा सूत्र बांधकर प्रेरणाएं दी गयी। इसके साथ ही जिला जेल में भी कार्यक्रम का आयोजन कर सभी कैदियों को राखी बांधकर अपने पुराने संस्कारों को बदलने पर जोर दिया गया। पंचशील सेवा केंद्र पर सब जोन प्रभारी बीके भारती ने राखी बांधकर सभी को पावनता का संदेश दिया। गुजरात में डांग के आवा उप सेवा केंद्र द्वारा डांग स्वराज आश्रम में वृक्षारोपण तथा परमात्मा संदेश देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व बंधुत्व दिवस तथा रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, उप सरपंच हानिफ शेख, डांग स्वराज आश्रम के ट्रस्टी धनु पटेल, सत्य साई समिति के अध्यक्ष वसंत पारेख, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अल्पना समेत कई मुख्य अतिथियों ने वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही बीके गीता ने राखी बांधकर वैश्विक एकीकरण की कामना की। ऐसे ही आवा में आदिवासी धार्मिक स्थल सुबीर गांव में भी रक्षाबंधन पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भानु समेत कई लोगों ने ईश्वरीय संदेश दिया। अब कुछ खबरें जन्माष्टमी पर्व की। ग्वालियर के महाराजपुर सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर टीआई शिव सिंह यादव, ज्योतिषाचार्य एसके मिश्रा, एलआईसी अभिकर्ता ब्रिजभूषण कुशवाहा, टैनी टॉट कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक मोहन वर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बामौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर शिव सिंह यादव ने श्री कृष्ण और राधे बने बच्चों की आरती की तथा सेवा केंद्र से जुड़े मोहन वर्मा ने श्री कृष्ण के जीवन पर चर्चा करते हुए उपस्थित लोगों से राजयोग सीखने का आह्वान किया। वहीं बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा माहौल को खुशनुमा बना दिया। पंजाब में अबोहर के फाजिलका सेवा केंद्र पर बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पलता, राजयोग शिक्षिका बीके सुनीता ने कृष्ण की जीवन लीला का विस्तार से वर्णन किया तथा बच्चों ने कृष्ण और राधे की वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया। गैंगटॉक में भी जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनम, माउंट आबू से बीके हरीश समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बच्चों ने श्री कृष्ण और राधे की वेशभूषा धारण की। अब कुछ खबरें रक्षाबंधन पर्व की। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट हाउसिंग, श्रम एवं खान मंत्री प्रकाश मेहता, राजस्व मंत्री संजय राठौर तथा वित्त और ग्रामीण विकास मंत्री दीपक केसरकर से मुंबई में कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री ने मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कालीचरण श्राफ, पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान, विधानसभा के स्पीकर कैलाश मेघवाल तथा विधायक अर्जुन लाल गर्ग से जयपुर के जादौर नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनसुइया ने मुलाकात कर राखी बांधी। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अपने निर्वाचन क्षेत्र कुप्पम में प्रवास के दौरान स्थानीय सेवा केंद्र की बीके बहनों ने उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही रक्षा सूत्र बांधकर शुभकामनाएं दी। पंजाब के जगराओं सेवा केंद्र पर राखी के पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमर ज्योति ने विधायक, डीएसपी समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों को राखी बांधी। इसके साथ ही विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। आगरा के ईदगाह सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना ने उपस्थित सभी विशिष्ट लोगों से परमात्मा को साथी बनाने तथा बुराइयों का त्याग करने का आह्वान किया। इसके साथ ही बीके अश्विना ने आईजी डीसी मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, ब्रिगेडियर अमित रॉय, कर्नल एस स्वर्ण कुमारी समेत अन्य कई अधिकारियों तथा सामान्य लोगों से मुलाकात कर राखी बांधी। इसके साथ ही ईश्वरीय संदेश दिया। हरियाणा में यमुनानगर के जिला कारागार में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमेश, पानीपत के ज्ञान मानसरोवर की राजयोग शिक्षिका बीके किरण ने बुराइयों को समाप्त करने के लिए राजयोग द्वारा आत्मबल बढ़ाने की प्रेरणा दी। इस दौरान कैदियों को राखी बांधकर हमेशा सद्विचार तथा सद्व्यवहार करने का संकल्प कराया। महाराष्ट्र में ब्रह्म कुमारी के उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा मुख्य पुलिस थाने में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बीके रेणु ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर जाधव समेत सभी पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। इसके साथ ही धैर्यता और सत्यता जैसे मूल्यों को धारण कर सदा प्रसन्न रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान किशोर जाधव ने बीके बहनों का आभार व्यक्त करते हुए आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने सांसद शांता कुमार, पूर्व डिप्टी कमिश्नर चामेल सिंह, जिला वन अधिकारी बीएस यादव, एसडीएम अजीत कुमार भारद्वाज, एसएचओ गुरबचन सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही सभी के प्रति सद्भाव रखने का संकल्प कराया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन का पर्व अलौकिक रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने उपस्थित सभी लोगों को राखी बांधकर विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़ी बहनों समेत नन्ही बालिकाओं ने भी अपने भाइयों को राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुजरात में वलसाड के आईपीएस ऑफिस में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रंजन तथा बीके रोहित समेत अन्य बीके बहनों ने रक्षाबंधन की बधाई दी। इसके साथ ही आईपीएस प्रेमवीर सिंह समेत सभी अधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। ऐसे ही सेवा केंद्र राष्ट्रीय अंधजन मंडल तथा मूक बधिर स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीके बहनों ने राखी बांधकर विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर रवि अरोड़ा, एसपी प्रेमवीर समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों से भी मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।